इस समय देश में ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए जा रहे हैं जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा हो। जी हाँ, 370 का हटना, 35A का बिल्कुल ही गायब हो जाना। अगर बात करें अयोध्या की, तो अयोध्या का फैसला आना, ये कुछ ऐसे फैसले थे। ट्रिपल तलाक की बात कर लें, कुछ ऐसे फैसले जिनके शायद सोचा ही नहीं था कि ये फैसले हो सकते हैं। अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा वर्डिक्ट जो है वो पास किया है जिसके लिए अब एक रास्ता जो है वो खुल गया है गर्ल्स के लिए कि वो आर्मी में जा सकती हैं और उनको अब शॉर्ट टर्म कमीशन में नहीं रहना पड़ेगा। जी हाँ, इस पर अब क्या टेक लेते हैं, क्या सोच विचार रखते हैं आर्मी वाले जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, क्योंकि उनकी पूरी अपनी जिंदगी उन्होंने आर्मी में दी है। तो चलिए इस सब पे बातचीत करते हैं, और इस समय पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कोई और नहीं बल्कि ब्रिगेडियर राजन जम्वाल जी जुड़े हैं। काफी समय जो है इन्होंने आर्मी को दिया है, तो क्या समझते हैं, किस तरीके से इस फैसले को देखते हैं, ये बातचीत करते हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जहाँ तक ये फैसले का सवाल है, इंडक्शन ऑफ वुमेन इनटू द आर्मी, आई मीन ये mid-90s से स्टार्ट हुआ था। इट वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू बेसिकली द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, द लॉजिस्टिक यूनिट जिनको बोलते हैं, यानी कि सप्लाई, ऑर्डिनेंस, EME वगैरह वगैरह वगैरह। एंड देवर इंडक्टेड एज एन एक्सपेरिमेंट, शुरू में खाली शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए, विच गॉट एक्सटेंडेड टू 14 ईयर्स। एंड नाउ द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर्ड कि दे शुड बी गिवन परमानेंट कमीशन। फाइन, दैट इज़ वन आस्पेक्ट। आई डोंट थिंक एनीबडी हैज एनी ऑब्जेक्शन इन गिविंग दम द परमानेंट कमीशन। हाउएवर, कनेक्टेड विद दिस इज ऑल्सो द सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड दे बी गिवन अ कमांड ऑफ द यूनिट्स। नाउ वॉट इज टू बी ऑब्जर्वड इज, अभी इस वक्त वुमेन खाली ऑफिसर रैंक पे आर्मी में आ रही हैं। आई मीन CMP में अभी एज ए ट्रायल थोड़ा सा कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में वुमेन दे हैव टेकन, बट इन ऑल अदर कोर्स दे आर ओनली एज एन ऑफिसर। देर आर नो वुमेन इन द रैंक्स। आई विश इफ सुप्रीम कोर्ट वॉज सो मच दिस थिंग, इट कुड हैव ऑल्सो डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू टेक दम इन द रैंक्स। मतलब अगर खाली ऑफिसर ही क्यों, उनको रैंक्स में भी लेना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि चाहे सप्लाई कोर हो या ऑर्डिनेंस कोर हो या IME, ये खाली दिल्ली, मेरठ या ऐसे शहरों में नहीं रहते। इनको बिल्कुल आगे नहीं कॉम्बैट यूनिट्स की तरह, पर थोड़ा पीछे फील्ड कंडीशंस में तो रहना पड़ता है, वेयर कंडीशंस आर स्लाइटली मच हार्शर एंड हार्डर। आई मीन, डू यू हैव इनफ वुमेन हु वुड वॉलंटियर फॉर दैट काइंड ऑफ सर्विस इन द फील्ड? आप बोल सकते हैं कि BSF वगैरह में वुमेन आर सर्विंग, CRPF में वुमेन आर सर्विंग, नो इशू। हम कहते हैं कि वुमेन को देन इंडक्ट इन द आर्मी, देर शुड नॉट बी एनी डिफरेंस इन द फिजिकल स्टैंडर्ड्स, बिकॉज आफ्टर ऑल खाली जेंडर बेस पे इक्वालिटी रन्स बोथ वेज। बोथ वेज मीन्स कि अगर आपकी ड्यूटीज और हक सेम है तो रिक्वायरमेंट भी सेम होनी चाहिए। यानी कि अगर उसी कोर के अंदर एक मेल ऑफिसर, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वही टर्म्स एंड कंडीशन पे लागू होने चाहिए, इनकी ट्रेनिंग भी सेम होनी चाहिए, ट्रेनिंग में जो मेल ऑफिसर्स के स्टैंडर्ड है वही स्टैंडर्ड इनको भी मेंटेन करने चाहिए। जो वुमेन हु आर विलिंग टू सर्व ऑन दोज टर्म्स, बाय ऑल मीन्स दे शुड कम इन, बट नॉट कि फॉर जॉब वी वॉन्ट स्पेशल कंसिडरेशन, बट फॉर ऑल अदर थिंग्स वी वॉन्ट टू बी ट्रीटेड इक्वली। ये जो पार्शल है, दिस गिव्स रिजेंटमेंट, दिस इज रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट, देर विल बी रिजेंटमेंट विद द मेल ऑफिसर्स, व्हाई आफ्टर सम टाइम दे लास्ट, अभी हम आई हैव ए फैमिली टू लुक आफ्टर, सो आई शुड बी पोस्टेड ओनली इन दिल्ली और इन मेरठ, सो दैट वुड मीन द मेल ऑफिसर विल डू टू टेन्योर कंटिन्यूसली इन फील्ड, बिकॉज किसी ना किसी को तो रहना है। तो वो दिस थिंग, सो यू हैव टू लुक होलिस्टिकली ओवर इट। So that was one aspect. मतलब आपके अनुसार ये होना चाहिए कि अगर आप किसी को डिस्क्रिमिनेशन हटा रहे हैं तो इस तरह से हटाइए ताकि किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो चाहे मेल की तरफ से ना हो। Absolutely, there should be equal terms in all and no special consideration as a woman, either in terms of physical conditions or the physical standards which the army is supposed to maintain, because हर कोर के लिए अलग फिजिकल स्टैंडर्ड है। एक कमांडो एक अलग फिजिकल स्टैंडर्ड पे होता है, एंड देयर आर कॉम्बैट यूनिट्स लाइक इन्फेंट्री एंड ऑल विच मेंटेन
again different level of standard, and then there are services and there are technical support teams and all where the physical standards are little lower. ये नहीं होता कि हम बार बार लड़कियों को ये चलाते हैं कि आप वीक हैं, आप वीक हैं, हम स्पेशल उनको ट्रीटमेंट दे के हमको उनको वीक करवाते हैं, जिस तरह से अभी भी एक स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम ये बार बार उनको बताते हैं कि आपको भी पढ़ने की जरूरत है, आपको भी बढ़ने की जरूरत है. क्या हम अभी तक ये जो पीछे हमारी एग्जाम्पल जो रानी लक्ष्मी भाई ने सेट की हैं और भी कई ऐसी एग्जाम्पल जो कल्पना सावला जो है वो सेट करके गई हैं, अभी तक वो सेट नहीं हुई हैं, हम उनको अभी भी जता रहे हैं बता रहे हैं कि आपको इस तरह से करना चाहिए? यू सी एक सोसाइटी ना कुछ आइकन से नहीं बनती. कुछ आइकन मीन्स यू हैव वन रानी लक्ष्मी भाई, वन कल्पना चावला, वन दिस थिंग एंड स्प्रेड ओवर डिकेड्स एंड सेंचुरीज. If the gender has to come up, these icons have to come up on a regular basis and across fields. Across fields means across the spectrums. यानी कि आप कुछ spectrums में excel करो, बाकी spectrums में आप पीछे रहो, तो then the gender would not be considered this thing. I mean to that extent, you know that Olympics में why do men and women compete differently? Olympics and other games, they have different this thing. Combat is the ultimate, I won't call it sport, but it is the ultimate competition. It is between two foes who fight to the death. And you cannot have a weak link in your team. Now, this is not that much applicable when I talk about administrative services. You know, saying like education corps, the judge advocate general branch, which deals with the legal affairs, you know, corps like that, where I do not find much problem of them again because there are no command positions also, nothing. But yes, even say in an EME battalion or an ARC battalion, where all the men are from ruler folk from all over, and there's not a single woman serving in the ranks, you have a commanding officer who is a woman. I can anticipate problems. I can anticipate problems in that unit. There'll be a whole lot of them, and especially so when that unit is posted in a hard field. It is in a hard field. मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि अभी भी ऐसी कई कंट्रीज हैं जहाँ पर ट्रांसजेंडर्स को इस समय हम, क्योंकि इतने ऐतिहासिक फैसले आ रहे हैं, तो ट्रांसजेंडर्स के लिए भी एक ऐतिहासिक फैसला आया था कि हर फॉर्म्स में अब मेल फीमेल जब जेंडर की बात आए तो तीसरा एक और भी जेंडर होना चाहिए. पर अभी भी ऐसी कई फील्ड्स हैं जहां पर उनका नाम नहीं आता, कई ऐसे फॉर्म्स आए हैं जहां पर उनका नाम नहीं आता, और अभी भी ऐसी कई कंट्रीज हैं जहां पर उनको आर्मी में नहीं लिया जाता. इसमें इंडिया भी एक कंट्री है. तो किस तरह से देखते हैं, क्या ट्रांसजेंडर्स के लिए भी जिस तरह से अलग बटालियन बना के या फिर कुछ अलग उनके लिए भी उनको भी डालना चाहिए ताकि वो लोग भी अपने आप को अलग फील ना करें, अलग अपने आप को महसूस ना करें? देखिए, यू कैनॉट पुट द नेशन सिक्योरिटी एट रिस्क जस्ट टू अकोमोडेट एवरीबॉडी. आई एम नॉट सेइंग ट्रांसजेंडर्स, यू नो, ट्रांसजेंडर्स में भी देयर कुड बी पीपल हु कैन मीट द स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड ऑफ द आर्मी, द इंटेलेक्चुअल एज वेल एज द फिजिकल स्टैंडर्ड्स. नाउ एज लॉन्ग एज देर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट, and the army remains as now this thing purely based on merit, I don't see any problem in that. The problem is when you try to get these guys, then you try to ignore merit and try to create some kind of a quota system. No, like a woman in the army today who are there as an officer, they go on a quota. I call it a quota system because those many vacancies are reserved for a woman. Mm-hmm. Let them compete in the open. Mm-hmm. Let them compete in the NDA. Let them compete in the IMA. Let them compete, and irrespective of, there not be in one course there could be 40 women, another there could be zero, only one woman. Mm-hmm. You know, as of now, they are absolutely working in quota system because army has designated, okay, so many people, a woman it will take every year in the army, and they are this thing. So it is a kind of a reservation by back doors, which has army has traditionally been free of reservation, not only here, all over the world. Armies have never had a quota of reservation. It is the first time. I don't know why, things have not been looked at it like this. It is a reservation system started in the army in the back way. Maybe for a gender. Tomorrow somebody will say, if you can reserve it for a gender, the quota in the army, why not do it for
This also, if Dalits are also slightly, there are communities who are physically weak. So if you give women the same compensation, give them also same compensation. So there would be voices raised tomorrow. So then the army will not be meritocracy, last institution left in your country that is purely based on merit. You want to destroy that? Your choice. तो आखिरकार अब आप ये समझ गए होंगे कि ये नहीं है कि कोई भी इस बात का निरादर कर रहा है, बोल रहा है. अच्छी बात है कि लेडीज भी, जो गर्ल्स भी, वो भी आर्मी में जाएं, देश को सर्व करें. पर सबसे बड़ी बात ये कि एक ओपन कंपटीशन होना चाहिए, कोई रिजर्वेशन, कोई कोटा नहीं होना चाहिए, ताकि जब वो सामने आए लड़े और इस तरह से बताएं कि हम बराबर हैं. एक दूसरे को कोटा दे दे के या उनको ये बार बार बता के कि आप वीक हैं, आप उन्हीं को और ज़्यादा वीक कर रहे हैं. ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि एक लड़की वीक है. उसने ऐसी कई एग्जाम्पल दी हैं और वो सेट करके बताया है कि वो काफ़ी सही हैं, अच्छे से अपना हर काम कर सकती हैं और डबल ट्रिपल काम कर सकती हैं. ये करके प्रूफ भी करके दिखाया है. अब ट्रांसजेंडर के ऊपर भी क्या सोच विचार रखती है सुप्रीम कोर्ट, ये तो अब आने वाले समय ही बताएगा. पर फिर भी आस अब उनके लिए भी जाग रही है. आपको क्या लगता है, ये वर्डिक्ट किस और आप तरीके से देखते हैं? क्या आप भी आर्मी में जाना चाहते हैं और आप एक लेडी हैं, किस तरीके से आपके लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए. तब तक के लिए मुझे और दीपक जी को दीजिए इजाज़त. नमस्कार.